दोस्तों ये है टाटा की एल्ट्रोज XM प्लस CNG यानी कि CNG वाला वेरिएंट है और सबसे ज़्यादा माइलेज देने वाली ये कार है। और ये जो कार है दोस्तों टाटा मोटर्स की कार है और स्टेलर टाटा नवसारी गुजरात में यहाँ पर हम मौजूद हैं इस शोरूम पे। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो टाटा की एल्ट्रोज है XM प्लस CNG है और ये पेट्रोल वेरियंट है, इसमें डीजल भी आता है और पेट्रोल भी आता है। और अगर हम बात करते हैं इस गाड़ी का या फिर किसी भी कार का जो मैं वीडियो आपको देता हूँ हमारे इस चैनल पे MJK कार्स में, तो बेस से लेके टॉप मॉडल तक मैं ऑन रोड प्राइस या फिर एक्सोरूम प्राइस सारी डिटेल्स में बताता हूँ कि अगर आपके पास जो हम कार दिखा रहे हैं अगर ये आपको महंगा लगे ये वेरिएंट तो बेस वेरिएंट आपको कितने का पड़ेगा, ये सारी डिटेल्स मैं देता हूँ। तो ये जो चाबी है ये हमारे पास जो की है ये भाई इसको सीधा ही स्पॉन्सर करती है और इसके अंदर एक तगड़ा फीचर है। जैसा ही मैं इस लाइट को प्रेस करता हूँ, इस बटन को, देखिए इसकी लाइट ऑन हो गई है। ये देखिए ये सबसे तगड़ा फीचर इसके अंदर मिलेगा, बाकी लॉक अनलॉक का और लाइट का ये चीज़ इसमें दिया गया है। और ये दूसरी चाबी है जो कि ये मेन चाबी आप या फिर सेंट्रल लॉकिंग इस तरह से देख सकते हैं। तो ये रही चाबी, साइड पे देखेंगे तो टाटा का बेजिंग, यहाँ पर लॉक अनलॉक, उसके बाद इस तरह से कुछ चाबी निकलती है आपकी। और यहाँ पर देखेंगे तो ये देखिए लॉक, ये अनलॉक। इसके अंदर आपको कोई बीप या साउंड का ये सब आवाज़ नहीं मिलेगा, बढ़िया साइलेंटली आपको ये काम करने वाली है। तो सबसे पहले इसका फ्रंट प्रोफाइल देख लेते हैं, तो ये वाइट कलर है, बाकी तीन चार कलर में ये गाड़ी मिल जाएगी और दो कलर तो वहाँ सामने खड़ा हुआ है। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ आइडिया आपको लग जाएगा। ये देखिए ये नहीं दिखेगा ऐसा, तो वहाँ पे मौजूद है ठीक है दो कलर, तो ये आपका कलर आएगा सबसे ज़्यादा बिकने वाला। तो सामने देखेंगे तो इसके अंदर आपको हेलोजन बेस पे लाइट कुछ इस तरह से मिल जाती है, दूसरी लाइट यहाँ पर दी गई है, यानी कि इसके अंदर आपको हाई लोबीम पे अलग अलग लाइट दी गई है, जैसे कि रेनॉल्ट काइगर में मिल जाती है अलग, उसमें भी लाइट दी गई है अलग अलग ठीक है, इस तरह से दिया गया है। यहाँ पर ये आपका ब्लिंकर मिलेगा और सेंटर पर टाटा की बेजिंग है, सेम हेडलाइट का सेटअप यहाँ पर भी मिलेगा। और इसका सबसे तगड़ा चीज़ है कि इसका जो ऊपर का भाग है ये आपको पूरा ग्लॉसी ब्लैक फिनिश रहेगा, उसी के नीचे यहाँ पर देखेंगे तो ये पूरा सिल्वर पैटर्न दिया या क्रोम पैटर्न दिया गया है। ये देखिए पूरा क्रोम फिनिश यहाँ पर आपको मिलने वाला है पूरी हेडलाइट के नीचे, ये जो पूरी गार्निश ये मिलेगी ये इस तरह से रहने वाली है। यहाँ पर आपका कुछ इस शेप में दिया गया है, इसमें आपका फॉग लैंप आप चाहें तो आफ्टर मार्केट या फिर शोरूम पर ही आप लगवा सकते हैं। बम्पर यहाँ पर आपका इस तरह से व्हाइट और ये आपका ब्लैक, डुअल टोन फिनिश सामने से मिलने वाला है। सबसे पहले हम आपको बता दें भाई कि ये जो टाटा की कार है 5-स्टार रेटेड ग्लोबल एनकैप में, यानी कि सेफ्टी आपको सबसे पहले टाटा मोटर्स से मिलने वाली है। और टाटा की जो कार है अधिकतर सारी कारें 5-स्टार रेटिंग कार के साथ आती हैं, सेफ्टी आपको सबसे ज़्यादा मिलने वाला है। तो इस तरह से आपको फ्रंट पे ग्रिल ब्लैक और वाइट का स्किड प्लेट इस तरह से देख सकते हैं, बम्पर रहने वाला है। यह रहा इसका पूरा फ्रंट प्रोफाइल और यहाँ पर देखेंगे तो यह आपका ब्लैक फिनिश कुछ इस तरह से मिल जाता है। दो वाइपर यहाँ पर, CNG यहाँ पर मिलेगा, ओआर भी हम दे सकते हैं और इसमें आपको सनरूफ भी मिल जाता है ठीक है, इस वाले वेरिएंट में नहीं, यानी कि इस गाड़ी में आपको मिलता है ट्रोज में, आप इसके ऊपर मॉडल में जाएंगे तो सनरूफ भी आपको मिल जाता है। इस साइड से देख सकते हैं ये पूरी गाड़ी कुछ इस तरह से मिल जाती है और यहाँ पर देखेंगे तो ये देखिए आपको ये ORVM कुछ इस तरह से मिल जाता है। ORVM पे ब्लिंकर नहीं रहेगा, साइड के बॉडी पर इस तरह से मिलेगा। अब अगर हम व्हील्स की बात करते हैं तो व्हील कवर के साथ सेंटर पर टाटा की बेजिंग है और ये आपका टायर दिया गया है MRF का और इसके अंदर देखेंगे तो जो व्हील है वो स्टील व्हील दिए गए हैं, ट्यूबलेस टायर MRF का रहेगा। साइज़ की अगर हम बात करें तो 185x60 का टायर है, 16 इंच का इसके अंदर आपको स्टील व्हील मिल जाता है कुछ इस तरह से। आगे दो डिस्क ब्रेक दिए गए हैं, पीछे अगर आप देखेंगे तो दो ड्रम ब्रेक मिलने वाला है इस गाड़ी में इस तरह से। अब इसके लेंथ की बात करें तो कुछ इस तरह से इसका लेंथ मिलने वाला है, काफ़ी अच्छी लंबाई आपको मिल जाएगी गाड़ी की। ORVM का जो फिनिश है ये आपका ग्लोसी फिनिश मिल जाता है, देखिए एक नंबर। यहाँ पर अभी आपका मिरर दिया गया है इस तरह से आप देख सकते हो और इस तरह से आप यहाँ पर जो नीचे का भाग है यहाँ पर विंडो के ये भी आपको ग्लोसी फिनिश पे मिलेगा, वो भी ब्लैक कलर का। और इसका जो ग्लास है कुछ इस तरह से कांच रहेगा, विंडो सामने का देख सकते हैं इस तरह से रहेगा और यहाँ पर भी ORVM इस तरह से। अभी साइड से देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पर भी आपको स्टील व्हील मिल जाता है और पीछे भी आपको स्टील व्हील मिलने वाला है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी यहाँ पर फ्यूल टैंक का कैप दिया गया है काफ़ी अच्छे स्टाइलिश लुक के साथ, 37 लीटर आएगा। अब रियर प्रोफाइल पर देखेंगे तो टाटा की बेजिंग है, यहाँ पर स्टेलर टाटा नवसारी गुजरात पे है तो स्टेलर का बेजिंग, हाई माउंट स्टॉप लैंप, एंटीना, ये आपका स्पॉयलर कुछ इस शेप में मिलने वाला है। CNG की बेजिंग यहाँ पर टाटा की बेजिंग एल्ट्रोज लिखा हुआ, रियर प्रोफाइल iCNG यहाँ पर लिखा हुआ, दो रिवर्स पार्किंग सेंसर रिफ्लेक्टर के साथ इस तरह से मिलने वाला है इस गाड़ी का। पीछे से पूरी गाड़ी इस तरह से रहने वाली है, कैसी लगी गाड़ी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब जैसे ही इसका हम बोट जो है खोलते हैं पीछे,
तो इस तरह से ऊपर पार्सल ट्रे मिलता है और नीचे यहाँ पर आपको सीएनजी का बाटला जो कि 60 लीटर आएगा, 10 केजी देखिए अलग अलग ही 5-5 केजी का दिया गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको मिलेगा इसमें सीएनजी काफ़ी अच्छी, यहाँ पर देख सकते हैं ये पूरी इस तरह से फिनिशिंग दी गई है एक नंबर का। यहाँ पर आपका ये पार्सल ट्रे भी दिया गया है और यहाँ पर देखेंगे तो ये टाटा का इस तरह से बैजिंग, यहाँ पर भी टाटा, तो पार्सल ट्रे के साथ भाई ये मिलने वाला है। बूट स्पेस की बात करें तो इसके अंदर आपको बूट स्पेस जो मिलता है वो 210 लीटर का रहने वाला है, ठीक है, सीएनजी में। और अब अगर हम पीछे की आपको टेल लैंप्स दिखाते हैं, उसके बाद और सारी चीज़ें दिखाने वाले हैं। देखिए 1000 स्विच हम कर देते हैं ऑफ, ठीक है। यहाँ पर जैसे ही हम ऑन करते हैं तो ये देखिए रियर प्रोफाइल का जो टेल लैंप्स है वो बल्ब पे ही रहेगा, लेकिन आपको एलईडी जैसा फील्स मिलने वाला है इस तरह से। और ये रिवर्स लाइट है, यहाँ पर भी आपको बल्ब मिलेगा। यहाँ पर भी देखेंगे तो ये पूरा ग्लोसी फिनिश मिलने वाला है इसके टेल लैंप्स में, आप देख लीजिए ये देखिए, ठीक है, ग्लोसी फिनिश नीचे ऊपर ये पूरा ये ब्लैक ही ब्लैक आपको रहने वाला है। ऐसा लगेगा ही नहीं कि इसके अंदर बल्ब या लाइट वगैरह इसके अंदर दी गई, ये बहुत ही गजब का सिस्टम दिया गया। रूफ कुछ इस तरह से मिल जाती है इस गाड़ी का। अब मेन डोर अगर आप देखेंगे तो मेन डोर जो है इतना चौड़ा खुलता है, देखिए आप पूरा आप आराम से बैठ सकते हैं, देखिए इतना बढ़िया है, 90 डिग्री समान लो खुल रहा है ये, ठीक है। आप यहाँ पर देखेंगे तो हैंडल भी काफ़ी अच्छा मिलेगा, डुअल टोन फिनिश मिलने वाला है इस गाड़ी के अंदर। ये आप देखिए डोर का लेबर ट्विटर, और यहाँ पर आपको ORVM यहीं से कंट्रोल, चारों पावर विंडो यहाँ पर लॉक अनलॉक, यहाँ पर देखेंगे तो स्पीकर और डुअल टोन फिनिश के साथ इसका डोर मिलने वाला है इस तरह से। तो कैसी लगी ये गाड़ी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। यहाँ पर भी स्पेस बहुत अच्छा मिलने वाला है ये देखिए। और आप इंटीरियर देख सकते हैं इस तरह से इंटीरियर इसका रहने वाला है, काफ़ी अच्छा स्पेस के साथ। एडजस्टमेंट सीट नहीं रहेगी, खाली आगे पीछे होगी। यहाँ पर आपका चाबी लगा के ऑन ऑफ होगा, और यहाँ पर सीएनजी का यहाँ पर भी कुछ स्पेस मिलेगा। यहाँ पर एसी का वेंट देख सकते हैं, ये ग्रे कलर का फिनिश, यहाँ पर क्रोम, यहाँ पर एसी वेंट कुछ इस तरह से मिलेंगे। लाइट यहाँ पर ऑन ऑफ कर सकते हैं कुछ इस तरह से। स्टेयरिंग डी कट में मिलेंगे, और स्टेयरिंग में कंट्रोल भी XM में मिल जाता है, XM प्लस में। देखिए यहाँ पर स्टेयरिंग कंट्रोल टाटा का सेंटर पर बेजिंग बढ़िया बेहतरीन वाला, यहाँ पर टिकट में स्टीयरिंग। हारमन का म्यूजिक सिस्टम वो भी 7 इंच का इंफोटेनमेंट डिस्प्ले, एसी वेंट के साथ अल्ट्रॉस की बैटिंग बेजिंग। यहाँ पर आपको एसी हीटर पावर विंडो पावर स्टीयरिंग सब आपको मिलेगा। यहाँ पर हैंड ब्रेक और उसके बाद बोटर रखने का स्पेस, ये आपका गियर लीवर रहने वाला है। यहाँ पर आपका देखते हैं लाइट जो है फ़ोन रखने की जगह पर लाइट भी आपको मिल जाती है एक नंबर का बढ़िया। और यहाँ पर आपको USB चार्जिंग पोर्ट और 12 वोल्ट का सॉकेट मिलेगा। क्लच ब्रेक एक्सेलेटर का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया। दूसरी साइड का भी डोर सेम टू सेम मिलने वाला है, लेकिन उस पर आपको खाली सिंगल विंडो के कंट्रोल रहेंगे। यहाँ पर एसी विंडो देख सकते हैं, ट्विटर वहाँ पर भी दिया गया है, और इसके अंदर 2 एयरबैग आपको मिलेगा, ट्विटर यहाँ पर भी, डैशबोर्ड कुछ इस तरह से मिलने वाला है। अब हम आपको दिखाते हैं इसका इंस्ट्रूमेंट और डिस्प्ले कैसा रहने वाला है। तो चाबी यहाँ पर है, और इसके अंदर जो है डबल ऑप्शन आपको मिलेगा, चाबी भी काफ़ी प्रीमियम और क्लासी लुक मिलने वाला है। अब यहाँ पर कुछ इस तरह से इसकी मजबूती आप देख सकते हैं, ये देखिए कुछ इस तरह से रहने वाला है इसका। और अब यहाँ से हम जैसे ही इसको ऑन करते हैं, ये देखिए सिंगल ऑन, अब ये ऑन, ये इस तरह से ये रहा इसका इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले टाटा मोटर्स की बैजिंग के साथ। पूरा ये आपका समझ लो कि डिजिटल रहने वाला है, ये रहेगा इसका डिस्प्ले भी टाटा मोटर के साथ। हारमन का म्यूजिक सिस्टम इसके अंदर रहेगा, ठीक है, 4 स्पीकर ट्विटर के साथ। और एसी वेंट जो है ये एक नंबर का रहेगा क्रोम के साथ। ये आपका 1000 स्विच है इसके अंदर, आपको लाइट फिलहाल इसमें तो नहीं चल रहा है, बाकी मिलता है। एल्ट्रोज की बेजिंग है, ठीक है, अभी ये देखिए लाइट अब आ गया, ठीक है, यहाँ पर जैसे लाइट ऑन करेंगे तो आएगा, ये देखिए इस तरह से। और ये म्यूजिक सिस्टम एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कार प्ले, देखिए लिखा आपके सामने, ऑन ऑफ जैसे आप चाहें वो कर सकते हैं, देखिए ऑन ऑफ कर देंगे चलेगा इग्निशन ऑन करने के बाद, बाकी जब इग्निशन ही ऑन होगा तो एकदम से बंद हो जाएगा। एल्ट्रोज की बैजिंग, और देखिए यहाँ पर डुअल टोन फिनिश के साथ इस तरह से कुछ मिलने वाला है। और यहाँ पर गियर लीवर रहेगा, यहाँ पर ये पूरी चीज़ें AC वगैरह आप पूरा देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं ये पूरा आपका स्पेस दिया गया है। और यहाँ पर देखेंगे जब बैटरी लो हो जाती है ना, तो यहाँ पर आप चाबी जब रखेंगे तो आपका अनलॉक हो जाएगा, ये सिस्टम रहेगा। दूसरी साइड का यहाँ पर लाइट माइक IRVM सन रिफ्लेक्ट प्रोटेक्शन, यहाँ पर भी आपका सेम टू सेम मिल जाएगा, ये देखिए। अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ दूसरी साइड का, ठीक है। और हाँ स्टेयरिंग पे कंट्रोल भी आपको मिल जाएगा, ठीक है, इस गाड़ी में ये चीज़ सबसे अच्छा मिलने वाला है। और यहाँ का जो पीछे का डोर है यहाँ से ये खुलेगा, यहाँ से स्विफ्ट जैसा रहेगा, ठीक है। अब ये देखिए जो दूसरा डोर है ये भी काफ़ी अच्छा खुल जाता है, ये देखिए इतना बढ़िया चौड़ाई के साथ खुल रहा है, देख रहे हो। ये भी हैंडल एक नंबर का आपका रहेगा इस तरह से, आप देख सकते हैं,
पूरी गाड़ी इस तरह से रहने वाली है। यहाँ पर आपको स्पीकर मिल जाएगा, ये देखिए पूरा स्पेस, यहाँ पर भी बीच में देखिए कितना बढ़िया स्पेस मिल जा रहा है इस गाड़ी के, देख रहे हैं स्पेस एक नंबर। तो फाइव सीटर कार है, बेस्ट फाइव सीटर फाइव बिल्ड क्वालिटी अगर आप टच कर रहे हैं या सर्च कर रहे हैं तो ये कार आपके लिए बहुत अच्छी है। स्पीकर के साथ देखो आप पूरा इस तरह से हैंडल लोअर यहाँ पर, तो यानी कि ये जो है सेफ्टी में आपको बहुत ही प्यारी कार मिलने वाली है। देख रहे हो इसका बिल्ड क्वालिटी किस तरह से बंद हो रहा है, तो हर एक चीज़ आपको इसका एक नंबर का मिलेगा भाई। मजबूती बहुत ही बढ़िया दिया गया है इस गाड़ी का, ठीक है। तो इस तरह चाबी रहेगा। अब हम आपको दिखाते हैं इसका इंजन और उसके बाद आपको हम माइलेज बताएंगे कि कितने का ये गाड़ी माइलेज देने वाली है, ठीक है। और इंजन आप देख सकते हैं फिर कितना सीसी का रहेगा, ये सब आपको बताते हैं हम आपको। तो अब जो है इसका हमने बोनट खोल लिया है और बोनट भाई काफ़ी हैवी है, काफ़ी बिल्ड क्वालिटी एक नंबर की है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस गाड़ी का पूरा अच्छे से कवर किया गया है, इस तरह से इसका पूरा बोनट आपको मिलेगा। अब ये रहा देखिए सामने का जो लुक है वो इस तरह से देख सकते, इसका लाइट वगैरह यहाँ पर कुछ इस तरह से रहेगा। मजबूती आप पूरी देख सकते हैं गाड़ी की। बैटरी यहाँ पर अमरान की दी गई है और सेफ्टी देखो कितने बेहतरीन से टाइट किया गया है, यहाँ पर कुछ इस तरह से सारे सेटिंग मिल जाते हैं। ये रहा इसका इंजन जो कि टाटा का ही इंजन है, यहाँ पर देखते हैं टाटा की बेजिंग है। और ये जो इंजन है 1.2 लीटर सीएनजी BS6 इंजन है, ठीक है, रिवोट्रॉन, यानी कि इसके अंदर आपको 1199 सीसी 1.2 लीटर ICNG 3 सिलेंडर पेट्रोल प्लस सीएनजी का इंजन मिलता है। मैक्सिमम पावर 72.49 BHP का 6000 RPM पे और मैक्सिमम टार्क 103 Nm का टार्क 3500 RPM पे। माइलेज आपको ये 26.2 किलोमीटर पर केजी सीएनजी में देगी और पेट्रोल पे ये माइलेज आपको 18 से 20 का देगी। सीएनजी जो है 60 लीटर है, फ्यूल टैंक कैपेसिटी 37 लीटर है, ये इस तरह से मिलने वाला है। तो कैसा लगा इसका भाई इंजन आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऑन रोड ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 165 mm ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा इस गाड़ी का, ठीक है। अब हम बात करते हैं इस गाड़ी की प्राइस की। इस गाड़ी की कीमत जो है XM प्लस CNG जो आप देख रहे हैं ये दो एयरबैग के साथ आती है 9,65,000 ऑन रोड प्राइस स्टेलर टाटा नवसारी गुजराती। इस पर डिस्काउंट भी चल रहा है तो आप यहाँ पर विजिट करेंगे तो अच्छा खासा डिस्काउंट, 70,000 का डिस्काउंट चल रहा है भाई टाटा की कारों पे। डेढ़ लाख रुपए का डिस्काउंट चला, 1.5 लाख का डिस्काउंट, बम्पर डिस्काउंट। स्टार्टिंग प्राइस जो है वो 6,65,000 एक्सरूम प्राइस से चलेगा। टॉप मॉडल 1135 तक जाती है एक्सरूम प्राइस। वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।